चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हूं हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेषज्ञ को बुलाकर संबंधित विषयों पर उनका मार्गदर्शन हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजेती है, इनका हमेशा से अनुरोध रहा है कि समसामयिक विषयों पर उनसे संबंधित विशेषज्ञों को हम बुलाएं। और आज जिस विषय को हमने चुना है वह एक तरह से अनटच अनछुआ सब्जेक्ट है। यह विषय है कि पिछले कोरोना और लॉकडाउन पीरियड में हमारे बच्चों ने जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्या उनका अनुभव किया है, आज उस पर हम चर्चा करें। और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस विषय पर मार्गदर्शन हेतु जिन विशेषज्ञों को हमने बुलाया वे राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक हैं। पहले मैं आपसे उसका परिचय करा दूं। हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं औरंगाबाद निवासी डॉक्टर राजेंद्र जी वैद्य को। सर, महाराष्ट्र आईपी के पूर्व अध्यक्ष है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दूसरे प्रशिक्षक हैं डॉक्टर प्रशांत जी जाधव। यह अंतर भारतीय आईपी में महाराष्ट्र की ओर से दो बार कार्यकारिणी सदस्य है और राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा हमने अनुभव किया था कि लॉकडाउन पीरियड में, सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लॉकडाउन पीरियड में हमने जहां दवाखानों में भर्ती की संख्या काफी कम देखी थी, मरीजों की संख्या काफी कम देखी थी, तो एक बार ये आभास हुआ कि शायद हमारे सभी लोग स्वस्थ हुए, खासकर हमारे बच्चे। डॉक्टर प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक हमारी धारणा बनी है कि हमारे बच्चे और युवा साथी स्वस्थ थे क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी, दवाखाने जाने का काम नहीं पड़ा, भर्ती काम नहीं पड़ा, दवाइयों का काम नहीं पड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में स्वस्थ थे या इनमें कोई मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्या भी थी? सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो कई बार हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जहां तक इस पीरियड में हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात देखेंगे तो बच्चे कई हद तक अच्छे थे क्योंकि वे घर पे थे और पूरे टाइम घर पे रहने की वजह से उनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। लेकिन ये अभूतपूर्व परिस्थिति को फेस करते हुए हमारे बच्चे, जिनको हम 18 साल तक के बच्चों को हम अपना इसमें समझते हैं, तो कई मात्रा में उनका मानसिक संतुलन या मानसिक स्ट्रेस जो है वो उनके ऊपर बहुत था। तो WHO डेफिनेशन या डेफिनेशन में हेल्थ के नॉट हेल्दी, वो मानसिक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल इस दौरान खराब चल रहा था। अब इसमें अगर हम देखेंगे बच्चों को, तो जो बड़े बच्चे हैं, मतलब जो मैं बोलूंगा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के अगर बच्चों के बारे में हम देखेंगे, तो ये बच्चों का स्कूलिंग हद तक शहरों में ऑनलाइन के इस माध्यम से ठीक ठाक चल रहा था, तो उनका एजुकेशन को वह दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, कई बार तो वो अपने माताजी पिताजी से ज्यादा अपने दोस्तों में ज्यादा फ्री होते हैं, ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा हद तक इसको मिस किया है। तो इसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी हद तक पड़ा हुआ था, और ये बच्चे थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब स्ट्रेस्ड हमको बहुत मात्रा में दिखे थे इस पूरे दौरान। और अगर हम छोटे थोड़े छोटे कक्षा के बच्चों में जाएंगे, मान लीजिए कि 5वीं से लेके 8वीं 9वीं तक, या इवन 3री 4थी से 5वीं तक के बच्चों का, 7वीं तक के बच्चों का अगर देखेंगे, तो उनके लिए जो खेलना कूदना है, ग्राउंड में जाना है, बहुत सारी मस्ती करना है, एनर्जी उनकी यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें उन्होंने इस दरमियान मिस की थी। वो मिस करने की वजह से उनमें काफी हद तक फ्रस्ट्रेशन देखा गया, कुछ हद तक थोड़ा सा डिप्रेशन देखा गया, जिसकी वजह से वो उनकी एनर्जी लेवल जो जितनी नॉर्मली रहना चाहिए उतनी रही नहीं है। इस प्रकार की समस्याएं हमने इस दौरान डेफिनेटली देखी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी प्री स्कूल बोलेंगे उनको या उससे भी छोटे बच्चे हैं, उनको तो दुनिया में क्या चल रहा है वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत सारा दुनिया में ज्यादा देखा भी हुआ नहीं था, दे वर जस्ट एक्सप्लोरिंग,
और ये सडन हुआ वाला चेंज है, ये चेंज वो कुछ मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था, और उनको बहुत देर तक वो अपने माँ मम्मी पापा दोनों और बाकी तीसरा कोई चौथा पांचवा आदमी कोई ज्यादा नहीं था, उनको चेंज नहीं दिख रहा था, उनको बाहर जाने की आदत थी, वो सब बंद था, तो उनमें बहुत मात्रा तक पना बोलिए हट्टी पना बोलिए ये बहुत ये सब चीज क्यों हो रही है ना पेरेंट्स को पता था, क्योंकि बहुत सारे तो ये सब चीजें हमने इस दरमियान डेफिनेटली, तो जैसा मैं समझ रहा हूँ कि एक तरह से उनको बांध के रख दिया गया था, और चूंकि बीमारी नहीं थी, जंतु नया था, किसी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी वैद्य सर, तो ऐसे समय में निश्चित तौर से क्योंकि किसी को ज्यादा पता नहीं था तो एक असुरक्षा की इंस्टिंक्ट भावना आई थी, तो क्या आप समझते हैं कि बड़े लोग तो समझ रहे थे कि जैसा सब जगह में आ रहा था तो बच्चों में भी ये भावना आई होगी करके? यस सतीश सर, क्योंकि जैसा प्रशांत ने बताया है कि शुरुआत दौर में जब बीमारी बाहर के देशों तक हाथ में थी, तब तक एडोलेसेंट बच्चे जैसे जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता था, उनके मदर पेरेंट उनके मम्मी पिताजी के डिस्कशन के साथ थोड़ा डरे हुए से थे, छोटे बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं था। इनफैक्ट अब हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कुछ पहले महीने देवर मोर हैप्पी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा अपने को दिन भर मिल रहे साथ में, छोटे बच्चे कुछ मालूम ही नहीं था, तो देवर लिटिल मोर हैप्पी। एंड बड़े बच्चों में थोड़ा उनको डर था कि भाई ये बीमारी अपने देश में आ जाएंगी, अपने नजदीक किसी को हो जाएंगे या अपने खुद को हो जाएंगे, इसके लिए पहले थोड़ा था। बाद में जब दो तीन महीने जाने के बाद और थोड़ा पेरेंट्स में थोड़ा सुझाव इससे है कि भाई अपने बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं और बीमारी नहीं हो रही तो चलो अच्छा है, बाकी बच्चों में मिलते थे बाहर का खाना खाते थे तो काफी बीमारियां होती थी वो बच गई है, डॉक्टर की तरफ जाना बच गया है। पहले दो तीन महीने एवरीबॉडी वॉज लिटिल हैप्पी कि हो रहा है, बट अंदर के अंदर बच्चों में कुछ ना कुछ चल रहा था, वो बच्चों था और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दवाखाने में जाना भी मुझे सिर्फ कुछ अर्जेंट रहा तो उनके साथ फोन पे बातचीत थे। बट डेफिनेटली दो महीने जाने के बाद फिर ये चीज सामने आने लगी, मे बी सेकोपन जैसा बोलते हैं, उस टाइम फिर ये धीरे अपने बीमारी तो बहुत ज्यादा नहीं थी, इंटरमिंगल नहीं था, बाहर का खाना बच्चे एक साथ नहीं आते थे। प्रशांत सर, ऐसे में जो छोटे बच्चे थे जैसा वैद्य सर ने बताया कि वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे समय में उनमें क्या मैनिफेस्टो क्या लक्षण दिख रहे थे कि जिससे हम समझे कि वो मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हैं? सर, लक्षण का अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ हद तक उनका चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, थोड़े से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बढ़ गए थे, बच्चे मायूस दिखते थे, कई बार तो उन्होंने जैसे बड़ों में कंप्लेंस करते हैं वैसे एंग्जाइटी की तरह हेडेक, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, या नींद ठीक से नहीं होना, पेट में दर्द होना, कई बार थोड़ा सा वॉमिटिंग, छोटी छोटी बातें पर रोना, इस प्रकार के लक्षण हमने देखे हैं इस दरमियान। हाँ, जब वो आते थे तो बिल्कुल ऐसे बताओ जैसे उनको कोरोना हुआ है कि छाती में दुख रहा है या चक्कर आ रहे हैं वगैरह, वैद्य से ये कहाँ तक सही था? जी बिल्कुल सही था सर, बच्चों में बहुत जैसा डरावना मौसम था क्योंकि हर तरफ चर्चा वैसी थी, वो आप टीवी देखो, व्हाट्सएप पे देखो, हर जगह पे वही चर्चा हो रही थी, तो नेचुरली उनको भी लग रहा था कि ये बीमारी अपने घर में या तो कोई क्लोज में समझ में आ गया कि हुआ है, और उस टाइम कैसे इनिशियली स्टेजेस में देवर क्वारंटाइन लेके जाते थे और डर था कि भाई अपने को समझो हो गया तो 14 दिन पूरे अपने मम्मी पापा या घर के लोगों से पूरा अलग रखेंगे, तो वो डर भी था, इसके लिए फीलिंग्स ऐसा मिक्स फीलिंग थे उनके इधर। बट डेफिनेटली जैसा प्रशांत बताया वैसा बहुत चिड़चिड़ होना, रोना, जीत पना करना, ये काफी हद तक बढ़ के आता था। और रिसेंटली और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बच्चे से बॉर्डर लाइन साइकोलॉजिकल थे, जैसे कि रिसेंटली हमको अभी तीन चार पेशेंट मंथ में दो तीन पेशेंट जैसे ऑटिज्म के निकल रहे सर, कि जो बॉर्डर लाइन उनको अच्छा स्टिमुलस मिल सकता था तो अच्छी तरह होते थे, बट इसमें क्या हो रहा था, उनको कुछ स्टिमुलस नहीं, सोशलाइजेशन नहीं, और सिर्फ बाकी कोई काम नहीं तो घर पे भी लोग उनको टीवी बताओ, मोबाइल बताओ, तो हिसाब से वो और प्रॉब्लम ऐसे जो क्रॉप अप हो गए कि थोड़े माइनर बीमारी जैसे रहती थी बट वो पूरे फुल फ्लेज में मैनिफेस्ट होने लगे, हाइपर एक्टिव बिहेवियर, थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर। फॉर्चुनेटली अपने तरफ मैंने एटलीस्ट स्टडीज नहीं बट बाहर के देशों में स्टडीज हुई है, वहाँ पे काफी चाइल्ड अब्यूज जो बोलते हैं बच्चों की तरफ बुरी तरह से बर्ताव करना, कुछ एडोलेसेंट में सेक्सुअल अब्यूज बोलते हैं, वैसे भी केसेस बाहर के देशों में
पढ़ने में आए हैं, फॉर्चुनेटली अपने तरफ एटलीस्ट रिकॉर्डेड नहीं है या तो कम परिस्थिति में है। मित्रों, जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य या बीमारी का अभाव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होना है तो उसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है। और जब हमारे बच्चे या हमारे जो टीनेजर्स हैं वे केवल बीमारी नहीं थे इसलिए उनको स्वस्थ मानते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होना उतना ही आवश्यक है। प्रशांत सर, आपने कहा कि जो हमारे टीनेजर्स जो बड़े हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, हालांकि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी पर वो ऑफलाइन नहीं कर पाए, तो इसका इसका आप क्या महत्व मानते हैं? कि क्योंकि आपने कहा कि इस समय पेरेंटल डिटैचमेंट होता अपने पालकों से ज्यादा, वे अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के बोलते हैं, तो इसका अभाव कितना हद तक वो महसूस कर रहे, तो ये उनकी समस्या में किस हद तक के जवाबदार था? देखिए सर, इसका दो चीज़ों पे डेफिनेटली असर होगा या हुआ है। पहला तो पढ़ाई के ऊपर डेफिनेटली उसका असर हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में बच्चे सीखते हैं तो उसमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखते हैं, तो इन बिटवीन द लाइंस बर्ताव की भी बातें सीखते हैं, तो वो बात बर्ताव की चीज़ें जो सीखना उनको है वो नहीं हुआ है। दूसरा, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस काफ़ी ये एडोलेसेंट बच्चों में देखा गया, और उनका एक्सरसाइज करना या बाकी चीज़ों का भी अभाव इस दरमियान रहा है। तो बीइंग अपसेट होना बोलिए या इमोशनल बिहेवियर, अर्ली स्ट्रेस, ये सब चीज़ें ये एडोलेसेंट में काफ़ी मात्रा में देखी पाई गई है। सर, आपने जैसे बताया कि कुछ एक बच्चे जो थे कि जो बॉर्डरलाइन, जिनमें साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ऑटिज्म नाम की एक चीज बताइए, और साथ में आपने कहा कि जिन बच्चों में अगर उनके पेरेंट्स में से या घर का कोई व्यक्तित्व या तो इस बीमारी से ग्रस्त हुआ या हॉस्पिटल हुआ या दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे बच्चों में, बड़े बच्चे तो खैर वो समझ रहे हैं सब चीजें हो रही, जो छोटे बच्चे हैं उनमें इसका क्या प्रभाव हुआ? क्या इसमें वो बोले जैसा चिड़चिड़पना बढ़ जाता था, वो अपने मम्मी को या डैडी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, कि उनको ऐसा डर लगता था या तो मेरे को लेके जाएंगे या मम्मी डैडी को लेके जाएंगे, फिर मेरा कोई देखने वाला नहीं होगा, ये उनके कंटिन्यूस डर रहता था। ऐसे टाइम में देर मैनी नींद की बीमारी भी काफ़ी हद तक देखने में आई, कि जैसा नींद में से उठ के रोना, थोड़ा चिल्लाना, डरे जैसा करना, ऐसे भी जो स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, वो भी काफ़ी हद तक अपने को देखने में आई है। और ये बीमारी लोगों के हिसाब से बीमारी नहीं है कि वो बोलता बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है वगैरह, बट अपने हिसाब से अपन देखें तो बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओनली, साइकोलॉजिकल डिसीज ओनली, सो वी हैव टू इंटरव्यू, अपने को कहाँ तो भी उसको काउंसलिंग करना है। भले ठीक है, बीमारी में अपन दवा देते, दवा देना ऐसा ही उसका ये नहीं है, बट उनको समझा के बोलना, पेरेंट्स को उनको कैसा हैंडल करना, इसमें से कैसा बाहर आना, ये बहुत जरूरी है। और जैसा प्रशांत का भी आपकी डिस्कस हो गई कि एडोलेसेंस स्कूल इज फॉर अदर्स डेवलपमेंट, लाइक पीयर रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करना, तुम्हारा डेली रूटीन, कितने बजे स्कूल में जाना है, वो हिसाब से बच्चों का डेली रूटीन भी हो सकता बराबर रहता था बच्चों के साथ, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, इवन गुड हेल्दी फूड हैबिट, जैसा स्कूल में बराबर टाइम पे उतना खाना, घर में बच्चे काफ़ी जो चाहिए वो मांगते हैं, स्कूल में कैसा जो मिलेगा वो तो प्रॉपर तरह से खाते हैं, जैसा बॉडी हैबिट और गुड हेल्दी फूड हैबिट, दे आर वेरी प्रॉपर इन द स्कूल, सो ये सब बच्चे डेफिनेटली मिस करते हैं। और उसमें जो पाया गया है कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज का जो डिसएडवांटेज है, उसमें देर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन लो इनकम एंड हाई इनकम, क्योंकि हाई इनकम वाले तो ठीक है कर सकते थे, बट लो इनकम वाले के पास नेट प्रॉब्लम है, स्मार्टफोन नहीं है, एक घर में दो दो दिन बच्चे रहे तो वो शेयर करना, तो ये काफी हद तक ऐसा दिखा है कि इंटेलेक्ट गैप इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ते जा रहा है ऐसे पर्टिकुलर दो सोसाइटी में। प्रशांत सर, जो आपने बात की इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे सर ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू थे, तो एक तरफ तो हम कह रहे थे कि बच्चों को ज्यादा मोबाइल देना नहीं चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, और दूसरी बात जब हमको मोबाइल दे रहे और आसपास से मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, बच्चे घर में सीमित रह गए थे, तो दोनों चीजों में संतुलन कैसे बनाए? इस दरमियान बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया था, क्योंकि उनका एजुकेशन भी स्क्रीन में चल रहा था और एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन पर चल रहा था, तो डेफिनेटली ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहने की वजह से कई बच्चों का आई स्ट्रेन भी इस दरमियान बढ़ा था,
और इम्बैलेंस डेफिनेटली इसमें बढ़ गया था। जैसे डॉक्टर वैद्य सर ने बोला कि हम ही लोग डॉक्टर लोग या हम थे पहले बताते रहते थे कि देर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन टू अ स्क्रीन टाइम, लेकिन इस दरमियान ऐसा हुआ कि हमको उनको अलाउ करना पड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम, तो डेफिनेटली इम्बैलेंस तो हुआ ही है। और एक दूसरा पॉइंट जो अभी आपने पूछा था कि घर में डेथ वगैरह होने के या उसके क्या परिणाम हुए, जनरली 7-8 साल से छोटे बच्चे को तो डेथ ये कंसेप्ट वैसे उतना समझता नहीं है, परमानेंट लॉस चीज समझती नहीं है, लेकिन ये कई घर में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ओवरऑल डेथ्स इस साल ज्यादा होने की वजह से ये कई घरों में ये हुआ है। और इनका इन छोटे बच्चों पे जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत दूरगामी इम्पैक्ट, बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका रहने वाला है, और उससे उनको बाहर आने के लिए हमको समाज को और डॉक्टरों को इसमें अपने को विशेष परिश्रम करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। सर ये बताया कि अपना बात चल रही थी कि घर में किसी को डेथ या कोरोना हुआ तो वो सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व के स्टडी आई सर मेजर इम्पैक्ट हुआ है जो कोरोना वॉरियर थे उनके बच्चों पे ज्यादा हुआ सर स्टडी में, क्योंकि क्या होता था जो हेल्थ वर्कर है डॉक्टर्स है पुलिस कर्मचारी है कॉरपोरेशन के लोग है उनका कैसा होता था कि काम में तो जाना जरूरी है बच्चों को छोड़ के जाना, आने के बाद क्वारंटाइन से बच्चों को मिल भी नहीं सकते थे कि गले में ले लो दूर से उनको से डिस्टेंस सेफ रखने की वजह से, तो वो बच्चों में बहुत ज्यादा तरह से उनको पाया गया कि देवर लिटिल मोर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। एक तरफ उनको अच्छा भी लगता था कि भाई हमारे पेरेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डर भी था कि वो जा रहे हैं उनको कुछ ना हो गया, और वो आने के बाद उनको गले भी नहीं मिल सकते थे उनके साथ नजदीक जाके बात भी नहीं करते थे, तो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये बहुत तरह से पाया गया। तो डॉक्टर वैद्य सर ने डॉक्टर प्रशांत सर ने जिस बात की ओर इशारा किया है अगर आप ये बात को समझे तो पता चलेगा कि जो हमारे कोरोना योद्धा है कोरोना वॉरियर्स से उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है, अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर जो बाहर जा रहे हैं तो वहां से ये मान के चलते कि हम इन्फेक्शन जंतु अंदर लेके आ रहे हैं तो घर में भी नहीं जाते थे। ऐसे कई किस्से होते हैं कि उन्होंने अपने पूरे 15 दिन अपने कार में निकाले या कहीं बाहर जाके निकाले हैं, 15 दिन तक उन्होंने चेहरा नहीं देखा है, अगर घर आते भी थे तो अपना एक अलग कमर बना के रखा था जहाँ आते से पहले स्नान करते थे कपड़े पूरे निकालते थे, कोशिश करते थे कि बच्चों के कम से कम संपर्क में आए। अब आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहाँ पर बच्चों को सामाजिकता से दूर रखा जा रहा है कि कहीं घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा है, घर में पालक उनके समीप है लेकिन जा नहीं सकते हैं, तो इस विचित्र अवस्था में हमारे बच्चों पर क्या मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम हुए होंगे, और अगर हम इसकी कल्पना करें तो निश्चित तौर से हम उन कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धाओं को पूर्णतः नमन करते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, अब जैसा कि शेयरिंग वाली आपने बात कही है तो अब जब हम लोग स्वच्छता की बात करें बचाव की बात कर रहे हैं तो बचाव में ये बताएं कि अभी जब लॉकडाउन शिथिल भी हुआ है तो हमको ये सब पालन करना है, बड़े बड़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 24 घंटे मास्क नाक पे लगा के रखें बार बार हाथ धोएं, तो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कहां तक पॉसिबल ये बंधन उन पर कितना परिणाम डाल रहे हैं? सर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे इन बंधनों को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किए हैं, कई बार हमने ये देखा है कि बड़े ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं या चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन बच्चे अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत अडेप्टेबल होते हैं, मतलब जो जो चेंज रहता है वो चेंज को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको बड़ों को ये चीज देखना चाहिए कि जैसे अभी आपने बोला कि अभी लॉकडाउन थोड़ा शिथिल हो रहा है तो स्कूल चालू हो रही है ये जा रहा है, तो बच्चों को क्योंकि वो बच्चे ये सब रिस्ट्रिक्शंस अच्छे से पाल रहे हैं लेकिन उनसे ज्यादा ना हो जाए ओवरडू ना हो जाए ये चीज हमको देखना है, तो बच्चों ने मास्क यूज करते टाइम उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं आना चाहिए इसका उन्होंने अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और बीच में अगर समझो पानी पीना है या कुछ खाना है सेवन करना है तो थोड़ा सा अलग से जाके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क खोल के ये जो नेचुरल अपनी जरूरतें हैं ये कंप्लीट करनी चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है। जहां तक इन चीजों का पालन करना है इनफैक्ट वो बड़ों को अपना एक एग्जांपल रख रहे हैं कि ये किस तरह से करना चाहिए, तो वी शुड सैल्यूट चिल्ड्रन फॉर दिस। आई से डॉक्टर
मैं इससे मिलता जुलता दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि जब लॉकडाउन शिथिल हुआ है तो जो बड़े लोग हैं, पालक लोग हैं, वे अपने अपने काम पर चले गए हैं, बच्चों पर अभी भी बंधन है कि आप बाहर मत जाइए, आप इधर हाथ मत लगाइए जी, तो जहां से बड़े लोग तो अपनी सामाजिकता पे, बल्कि कुछ जगह पे शादी ब्याह भी शुरू हो गए तो उनकी सामाजिकता तो बढ़ी है, लेकिन बच्चे फिर भी घर में है, ये कहां तक सही है? नहीं, ये तो सही बात है कि अभी कैसा हुआ है कि जैसे शुरू में डॉक्टर वैद्य सर ने कहा कि लॉकडाउन हुआ तो बच्चे शुरू में खुश थे क्योंकि मम्मी पापा पूरे टाइम घर पे थे, तो अभी ये लॉकडाउन शिथिल होने की वजह से उनको, उनके लिए तो डबल एज स्वॉर्ड हो गया है कि वो घर में अभी भी कैद है। बड़ों को अभी भी चाहते हैं कि भाई उन्होंने थोड़ा कैद रहना चाहिए, कि बड़ों को उनके आचरण पे विश्वास नहीं है इसलिए वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। और दूसरी बात हो गई कि उनको काम के लिए भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो अभी बच्चे इनफैक्ट ज्यादा लोनलीनेस फेस करने का पीरियड आया हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी अपने को बच्चों को और ज्यादा फूल की तरह उनको संभालना है, उनको समझना है, उनको बोलना है, और थोड़े बहुत हद तक उनको बाकी बच्चों से मिक्स होने के लिए विथ ऑल टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस हमने अभी उनको परमिशन देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये हो गई है कि जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक स्कूल, जैसे परमिशन मिल रही है स्कूल चालू होने की, तो पेरेंट्स अभी बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, तो कई कुछ हद तक पालक पेरेंट्स में ये डर है, कुछ हद तक पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चों को कि आप स्कूल जा सकते हो, लेकिन बच्चे ये रिस्ट्रिक्शंस पालना चाहते हैं क्योंकि वो उनको अभी पता नहीं है कि ये कोरोना कितना है, इसका इम्पैक्ट कितना रहने वाला है और ये कितने दिन चलने वाला है, तो वो अभी भी थोड़ा बहुत संभल के जिंदगी जीना चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं का को समझ के, उनका आदर करके, उनको इसमें से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हम डॉक्टर्स और पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली है। मित्रों सर, एक वजह सर आप पॉइंट ऐड कर रहे हैं, जी सर, जैसा प्रशांत ने बताया सर कि बच्चों को थोड़ा स्कूल जाना या खेलना, तो उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि अभी जो पाया गया है कि क्लोज एरिया जहाँ पे बहुत बंद है, हॉल है वगैरह, ऐसी जगह पे थोड़ा ज्यादा तकलीफ रहती है, तो ऐसे टाइम आप बच्चों को जो बड़े है थोड़ा मैदान में खेलने को भेज सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है, वहाँ जाते टाइम उनको स्कूल में, तो मेरा एक दो तीन जगह मैं भी सुझाव भी किया हूँ कि आपने प्लेन में जाते टाइम देखा हो कि एवरी फ्लाइट, हर फ्लाइट में एयर होस्टेस आके वो बताती है आपको कैसा इंस्ट्रक्शंस करना है, मास्क वो ऊपर से आएगा कैसा करना है, लाइफ जैकेट कैसा पहनना है, इन ईच एंड एवरी, उतना तो नहीं बट अभी जैसा 9, 10 के स्कूल चालू हो गए, मैं काफ़ी स्कूल हेडमास्टर को बताया हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में से एक दो बार आप बच्चों को एटलीस्ट मास्क कैसा पहनना, कैसा निकालना, क्या केयर लेना, वो सिखा देंगे बार बार, तो उनके मन पे अच्छी तरह से वो हो जाएगा, क्योंकि मास्क तो निकालना पड़ेगा, खाना है, पानी पीना है, बट प्रॉपरली आप निकालेंगे तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, आपके स्टरलाइजर है वो भी कैसा यूज करना, उसका ओवर यूज भी अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ें जैसा रिपीटेडली, ठीक है डेली है नहीं बट एक आपका प्रेयर के टाइम थोड़ा, या स्कूल में से जाते टाइम हफ्ते में से दो बार कर लेंगे तो बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और बाहर खेलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ओपन ग्राउंड पे दे कैन स्टार्ट प्लेइंग, सो दैट दे विल गेट कॉन्फिडेंस आल्सो। मित्र, हमारे विशेषज्ञों ने जिस बात की और हमारा ध्यान दिलाया, तो एक तो प्रशांत सर ने कहा है कि अब जब लॉकडाउन शिथिल हुआ है, पालक अपने काम पर गए, तो बच्चे इस समय अपने आप को ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस समय पालकों का, हम लोगों का ज्यादा कर्तव्य होता है कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। डॉक्टर वैद्य सर ने कहा कि जो जंतु है उसका प्रचार प्रसार क्लोज एरिया में, जितना बंद रहेंगे और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उसमें ज्यादा उसकी संभावना होती है, अगर ये ओपन एरिया खुले मैदान में अगर बीच में पर्याप्त अंतर है तो इसकी संभावना कम होती है, और जितना बाहर बच्चे खेलेंगे उनकी सामाजिकता बढ़ेगी, शारीरिक उनका व्यायाम होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो उनके स्वस्थ शरीर के लिए और मन के लिए लाभकारक होगा। वैद्य सर, प्रशांत जी ने कहा कि हम पालकों को एक रोल मॉडल की तरह रहना है, उनके सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे मास्क का हो, और सबसे बड़ी जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के ऊपर, तो ऐसे समय में आप हमारे पालकों को क्या सलाह देंगे? अभी जैसा है ना, कुछ जगह पे तो सिर्फ मम्मी और डैडी साथ में रहते हैं, बट कुछ जगह पे ग्रैंड पेरेंट भी साथ में रहते हैं, तो उनका भी बड़ा योगदान रहेगा बच्चों के मानसिक डेवलप करने में। जैसा कि
उनको इन्वॉल्व कर लेना छोटी छोटी चीजों में, उनके तरफ साथ बैठ के खेलना बोलो, उनको स्टोरी टेलिंग बताओ, रीडिंग बताओ, रीडिंग हैबिट आप डेवलप करो, आप भी उनके साथ थोड़ा बैठे पढ़ने को बैठो, उनके तरफ से कुछ स्टोरी सुनो, आप उनको स्टोरी सुनाओ, थोड़ा उनको गोद में लेके बैठो, इस तरफ से आप इंटरमिंगल कर सकते हैं। सो दे विल फील कि जब बॉन्डिंग जो बोलते हैं कि बहुत दूर रहने तक, यानी जो आप बोलते हैं स्क्रीन टाइम है, टीवी है, इसके अलावा ये चीजें बहुत है अपने घर में कि अपन कर सकते हैं। और उसके साथ बात मम्मी डैडी और ग्रैंड पेरेंट ने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी दे आर ऑल्सो गोइंग सम डिप्रेशन, तो उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीजें बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे उनके कुछ कंफ्लिक्ट्स है, कुछ हर घर में होता है, मम्मी डैडी को लगता है कि ग्रैंड पेरेंट ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट को लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आप करो बट बच्चों के सामने मत करो। जो कुछ करना है आप जब बच्चे नहीं रहेंगे तब आप डिस्कस करके यूनिफॉर्म डिसीजन करो, तो उसके से उसकी मानसिकता और यूनिफॉर्मिटी एज ए फैमिली दिखने में आ जाएंगी। तो ये करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जस्ट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, देवर आर्टिकल इट्स न्यू फॉर मी ऑल्सो, इट्स इमोशनल हाइजीन सर, इमोशनल हाइजीन, इफ यू गूगल इट, इमोशनल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन क्या है। तो ये बच्चों में ऐसा भी कुछ अच्छी चीजें पाई है कि ओवरकम योर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, दैट विल हेल्प कैसा करना है क्या नहीं। अब ये जैसा लॉकडाउन है, दिस इज नॉट गोइंग टू परमानेंट, एनी बैड पैच विल बी गेटिंग हील्ड अप, तो इसमें से अपने को सीखने के बच्चे भी सीख रहे हैं कि हाउ सेल्फनेसनेस विल बी क्रिएटेड, देन हाउ वी कैन कम आउट ऑफ एनी इंस्टेड ऑफ मी हाउ वी कैन डू, इन्हें बच्चों की भावना रहती है मैं करने की वजह हम सब मिलके कैसा कर सकते हैं, ये भावना आ रही है। दीज आर सम पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि पैंडेमिक जो चले जाएगा उसमें से आने के बाद एक अच्छे ऑथर ने कहा है कि जैसा आप जब बड़ी स्टॉर्म बोलते हैं जो वादल में से निकल जाता है, तो यू आर टोटली डिफरेंट, अब वो बादल में से जब बाहर आते तो इस टाइप का होने वाला है। बच्चे भी काफी सीख लेंगे, बट उसके लिए पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ने घर का माहौल थोड़ा अच्छा बना के रखे, तो ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी तरह से फायदेमंद हो सकता है। तो वैद्य सर एक बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ प्रशांत सर आप कुछ बोले, प्रशांत सर अनम्यूट कीजिए। जी जी, जब मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हम सब बड़ों को ये मालूम है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन का अपने मन के ऊपर, अपने विचार करने की पद्धति के ऊपर असर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो लोग वॉर जोन में रहते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर जोन में रहते हैं, जैसे हमारे देश में कश्मीर एरिया है, वहाँ के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ के वायलेंस का, वहाँ की चीजों का बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। तो मैं ये सब पेरेंट्स को इस बात की तरफ आपका ध्यान बताना चाहूंगा कि पिछला एक साल दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन इमोशनल वॉर जोन, ये हम सब के लिए एक इमोशनल वॉर के बराबर था। और हम बड़े, हमने छोटी मोटी तकलीफें जीवन में देखी हुई है और ये तकलीफों से हम बाहर आए हुए हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए तो पहली बार था। मतलब मैं ये कंपेयर करूंगा कि ये उनके लिए कोई वर्ल्ड वॉर के, ऑलमोस्ट इट वाज लाइक वर्ल्ड वॉर फॉर देम, जैसे एक वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर जो असर पड़ा होगा वो बड़े होने पर, वैसे ये बच्चों के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका रह सकता है। और जैसे वैद्य सर ने बोला कि ये हम बड़ों के, पालकों की, पेरेंट्स की, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि इसका मिनिमम इम्पैक्ट, कम से कम इम्पैक्ट ये बच्चों के मन पे लॉन्ग टर्म में पड़े। नहीं तो क्या हो सकता है कि एक फियर ऑफ अननोन, एक अनजान चीज का डर, ये चीज अगर समझो इन बच्चों के मन में रह गई तो बड़े होने के बाद इम्पॉर्टेंट जीवन के इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस पे डिसीजन मेकिंग में हो सकता है ये बच्चे उतने ठाम न रह पाए और ये उनके ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए ये इन बच्चों पे रेगुलरली छोटी छोटी चीजों का भी स्ट्रेस ज्यादा न पड़े, इसका ध्यान हम बड़ों ने रखना है। और उनको हमने बोलने के लिए, मतलब वी नीड टू मोटिवेट देम टू स्पीक, उनको हमने मोटिवेट करना है बात करने के लिए। बात करना मतलब उनके इमोशंस, तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये पिछले साल भर के बारे में आपका क्या विचार है, पिछले साल भर में आप के व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस। हो सकता है कि हम स्कूल्स में या कहीं पर ऐसी कंपटीशन रखे बच्चों को, हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसे राइटिंग करो, उससे उनके मन में के विचार बाहर आएंगे। तो हो सकता है भय का भी विचार हो, वो ऐसे एक्सप्रेस अगर हो जाएगा तो उनके दिल के ऊपर, उनके विचार करने की पद्धति के ऊपर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे सुझाव देना अच्छा लगेगा।
निश्चित तौर से सर, मेरे को प्रशांत जो कंटिन्यूएशन में स्ट्रेस कम करने के लिए घर के घर में ही सर आप सब फॉलो कर सकते हैं, जैसा अपना योगा है या कुछ प्राणायाम है, ठीक है, एकदम छोटे नहीं बट 7-8 साल के बच्चे डेफिनेटली कर सकते हैं, और वो समझो घर के बड़े लोगों ने चालू किया, क्या हो जाता है बड़े लोग आराम करके और बोलते हो तू कर, ऐसा नहीं, सबने एक साथ किया तो अच्छी तरह से ये हो सकता है, और ये स्ट्रेस कम करने में बहुत अच्छी तरह से योगदान कर सकता है, इसे भी रेगुलर करना चालू कर देंगे तो मैं आप सब पेरेंट्स को ये सब व्यूअर को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने ये सब फॉलो करके देखो एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स फॉर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। नहीं सर, प्रशांत सर ने जो बोला बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने उनको अपने विचार अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने का मौका देना चाहिए, और साथ में यह है कि जब वो बोल रहे हैं तो बीच में पेरेंट्स से टोका टाकी नहीं करना, पूरा सुन ले, चाहे वो गलत बोल रहे हो चाहे झूठ बोल रहे हो, और पूरा होने के बाद में फिर उनको बताएं, और अगर कहीं गलत भी हो रहा है तो उनको अपनी बात तो कहने थे ना कि अंदर के अंदर घूट रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर पाए तो ये तो उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन और बढ़ाएगा। सर इस समय में बहुत, जैसे आपने कहा कि अभी पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा मौका एक अवसर है कि उन्होंने बच्चों के साथ मिलना चाहिए, और जैसे लड़कियां अगर वो किचन का काम कर रही हैं तो उनको करने देना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं जो 2 साल के 1 साल के 3 साल के उनके साथ में पेरेंट्स से कैसा बिहेव करना चाहिए ताकि वो घुले मिले भी और उनकी जो स्ट्रेस लेवल भी कम हो। यानी पहले तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि अभी हम लोग स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए, तो हम तो उसके बजाय आपने बताया कि स्टोरी टेलिंग है या उनको पेपर पढ़ने लगा है तो रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी और हमारा बॉन्डिंग भी बढ़ेगा। मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे लड़कियां तो खैर किचन में करती हैं, लड़का अगर जाने लगा तो उसको बोलते हैं तो क्या करेगा करके, तो आप ये सही मानते हैं कि लड़कों को भी उतना किचन में काम करने देना चाहिए अगर वो मम्मी के साथ करना चाहे तो? बिल्कुल सर, मैं तो मानता हूँ कि इनफैक्ट उनको भी उतना ही करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों भी मेरे हिसाब से एक लेवल पे है, पर उन्होंने करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे आगे चल के बहुत अपने स्टूडेंट्स है बाहर पढ़ने जाते हैं और उनको वहाँ सब करना पड़ता है, तो आई हैव सीन की बहुत जगह जाने के एक महीना पहले मम्मी से कहती ये करो वो करो, तो उनको पहले से आता हो तो देट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर देम, तो हर काम में उनको करना चाहिए, ऐसा तो इन्हें लड़की ने करना लड़के ने करना ऐसा नहीं, इवन आप तो बोल रहे कि किचन में नहीं, मैं तो बोलता हूँ बाहर की भी बारीक चीजें, जैसा आप भी ने किया होगा, हम जब बचपन में थे तब अपना अपना बेड संभाल के रखना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, पहले तो कुछ इतना था नहीं, अभी आजकल तो समझो सही, पर पहले अपन ही करते थे, ठीक है, अभी इसमें कैसा होगा सर कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में देयर वर नो सर्वेंट्स, काम करने के लिए कोई नहीं था, और अकेले लेडीज घर की सब काम कर रही है, दिस इज अनफेयर, ये नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे काम करने लगे तो उसमें लड़के लड़के दोनों भी काम करने लगे, और वो मेरे ख्याल से तो अच्छी तरह से सीख भी गए हैं, और ये ऐसा काम करना दिस इज द सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड दैट इज गुड टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑल्सो, सो बच्चों ने भी डेफिनेटली करना चाहिए, सिर्फ लड़कों ने करना ऐसा नहीं, बच्चों ने भी करना चाहिए, और वो आगे भी करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो ये आगे भी करना चाहिए। आपने बताया कि वो एक तो उनके पर्सनालिटी में ऐड करेगा और साथ साथ में उनको शारीरिक एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और इन्वॉल्वमेंट होगा सो अलग, और जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करो भारत में तो आत्मनिर्भर व्यक्ति तो हो ही सकता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा वो। डॉक्टर प्रशांत जी, अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस समय में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि इस कोरोना के दौरान हम बड़ों को भी बहुत स्ट्रेस हुआ है, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई थी, कुछ लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इस दरमियान हुआ है, तो अभी हम जो आज के विषय की अगर आते हैं तो बच्चों ने काफ़ी सारा स्ट्रेस इसमें फेस किया है, तो हम अपना स्ट्रेस, पहला मैं बात बोलूँगा कि हम अपना स्ट्रेस बच्चों पर न जाए इसके लिए पहली कोशिश करें, और दूसरा इस हालत से बच्चे कैसे जल्द से जल्द बाहर आके एक नॉर्मल लाइफ जो होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना ये हमारी, जैसे मतलब हम बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर आदमी को क्या चाहिए तो वो होता है इंटरेक्शन, तो इसको प्रोत्साहन करें और उसके माध्यम से एक कंप्लीट हेल्थ अचीव करने की कोशिश करें। वैद्य सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी भाई, ये जो गया सर कैसा रहता है कि ये जो गया उसको बार बार दोहराते मत जाओ, जैसा वी कॉल्ड इज द रिमिनेशन, इट्स इन द इमोशनल हाइजीन, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, कि डोंट गेट रिमिनेशन कि ये हो गया, मैं इसके वजह से मेरा ये नुकसान होगा, ये होगा, अननेसेसरी दैट विल क्रिएट,
अभी जो हुआ है ना, मैं उसमें से बाहर आया हूँ, मैं और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मेरा जो नुकसान हुआ है, यानी पेरेंट कैन इम्बाइब ऑल दिस इन द चिल्ड्रन, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि ये तो चले जाएगा, ये जाने वाला है, ऑलमोस्ट अपन बोलते हैं कि 50% गया, ऐसा भी अपन मान लेंगे अभी तरफ से जो परिस्थिति है। तो लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रख के दे शुड गो अहेड, एंड जैसा अभी आया है, और ऐसा भी रख लो कि आगे और कुछ आ गया तो हमको तो इसका बहुत अच्छे तरह से अनुभव है, और कोई है तो हम अच्छे और अच्छी तरह से उसका सामना कर पाएंगे। ये एटीट्यूड रहा तो आपने जो जैसे लेवल, बट अभी उसका एक कहना है, मैं एक फिर से आपको सबको रिवर्स करूंगा, ये सब हुआ बोल के आप जो रूटीन अपने पालन की जो है वो छोड़ो मत। जैसा सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे बहुत मस्ट है वहीं पे आप जाओ, अदरवाइज अननेसेसरी क्राउडिंग, मास्क बहुत जरूरी है, सैनिटाइजेशन एटलीस्ट आप जहाँ जहाँ पे आते बाहर जाने के बाद ये चालू रखो, इसको बंद मत करो। इसके ये हिसाब से बच्चे भी सीख लेंगे और आने वाला कल और अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और बार बार करने के बजाय शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हुआ है हो गया है, नाउ हम अच्छी तरह से और जीवन बिता सकते हैं। निश्चित तौर सर, आपने जो हमारे दर्शकों को मैसेज दिया है कि जो अतीत है भूतकाल उसे भूल जाइए, और उससे हमने सबक लिया है, शायद वो हमको और मजबूत बनाने के लिए आया था, तो अब हमारी जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व और निखर के आया और मजबूत हुआ है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने इस पैंडेमिक को देखा है, उसको भुगता है, और जिन लोगों ने नहीं देखा था या शायद जो नहीं देखेंगे अगली पीढ़ी, तो शायद हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं। डॉक्टर प्रशांत जी ने कहा कि हम लोग जो शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भूल के हमको लॉन्ग टर्म की बात करनी चाहिए कि इसके जो दीर्घकालिक परिणाम है हम उसकी और आंखें मीच के नहीं रह सकते हैं, खासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं कि जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उनके और हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें हमारी जो मुख्य भूमिका होती है वह पालकों की होती है और हमारे टीचर्स हैं शिक्षकों की होती है। तो हम बतौर हमारे चिकित्सक, हमने हमारे पूरे बच्चों को, उनकी फैमिलीज को और स्कूल को, जैसे वैद्य ने बताया, हम जाकर उनको बार बार हम संबोधित करते हैं, उनको निर्देशित करते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं। तो हमारे दर्शकों से एक नम्र अनुरोध है कि हमारे विशेषज्ञों ने जिन बातों को बताया है उस पर आप पूरी तरह से विचार करें। हम लोगों ने कोशिश की कि कार्यक्रम आपको रोचक लगे और जानकारी देने वाला लगे, लेकिन इस विषय में अंतिम निर्णय आपका और केवल आपका है, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें सूचना दे सकते हैं। सर, अब समय की कमी है, बातें तो बहुत ज्यादा कर ली, और बात करने बहुत अच्छा भी लग रहा है, आपसे काफी जानकारी मिली है। एक शब्द था जिसे आपने कहा कि इमोशनल हाइजीन, ये निश्चित तौर से हम सभी के लिए नया था, तो इसी तरह से बहुत बातें करनी थी लेकिन समय की अपनी सीमा है जिसका आपसे विदा लेनी पड़ रही है। तो डॉक्टर वैद्य सर, डॉक्टर प्रशांत सर, इस रोचक और अद्भुत मार्गदर्शन के लिए हमारे दर्शकों के और चैनल की तरफ से मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।